जब प्रधानमंत्री जी को मालूम हुआ हमारे आर्ट को, तो उन्होंने एक काम दिलाया का आगा लिया। राष्ट्रपति जोको विडोदो जी को उन्होंने गिफ्ट दिया, जो कि भारत की सांस्कृतिक पहचान उजागर करने के साथ साथ देश के वास्तुशिल्प कला का बेजोड़ नमूना है। इनमें एक जो सबसे खास उपहार पीएम मोदी ने भेंट स्वरूप दिया वो था राम दरबार। जी हाँ, राम दरबार, वो भी उन्हें दिया गया जिनके लिए ये राम दरबार हद से ज्यादा मायने रखता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लाकर वे राम दरबार की भेंट। पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को यूपी के वाराणसी से लाकर वे राम दरबार भेंट में दिया। देवी देवताओं और पवित्र जानवरों की लकड़ी की मूर्तियों को तीर्थ यात्रियों द्वारा वापस ले जाने प्रतिष्ठित स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदर्शित किया। ये विशेष टुकड़ा गूलर की लकड़ी पर बना है। ये नायाब तोहफा पाकर विडोडो काफी खुश नजर आए। दरअसल इंडोनेशिया है मुस्लिम आबादी वाला देश, लेकिन वहां के लोगों के दिलों में भगवान राम के लिए खास जगह और सम्मान है। इस देश के मुस्लिम रामायण को पूजनीय ग्रंथ मानते हैं, और जब पीएम मोदी ने विडोडो को राम दरबार उपहार स्वरूप दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हम स्टेटवाड़ी ओम प्रकाश शर्मा, ये हमारी आर्ट जो है वाराणसी का काष्ट कला, प्राचीन काष्ट कला है जो कि बनारस की मुख्य कला है, और इस कला को करने वाले काफ़ी लोग थे मगर इसको छोड़ के चले गए, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट थोड़ा समय लगता है बनने में, ये लोगों से दूर हो गई थी। हमारे ये जो कला है इसको विदेशी ज़्यादा फॉरनर लोग पसंद करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी को मालूम हुआ हमारे आर्ट को, तो उन्होंने एक राम दरबार का आगाज किया, जो कि हम काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए थे। तो वो राम दरबार जर्मनी में हुआ था एक कार्यक्रम, G7 शिखर सम्मेलन, उसमें प्रधानमंत्री जी लेकर के गए थे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी को उन्होंने गिफ्ट दिया, उसके माध्यम से हमारे काम का बहुत प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण इस समय वो है हाल कि हम ऑर्डर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे आर्ट में GI टैग भी मिल गया है। ये बहुत बेहतर हुआ कि GI टैग होने के बाद हमारे कला में पहचान बहुत है। तो हम प्रधानमंत्री जी से ये धन्यवाद करते हैं।